राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए मैं आपके साथ आज अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपने लड्डू गोपाल जी की पगड़ी जो है शेयर कर रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी मैं रखती हूँ इस बॉक्स में। ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स है, ये देखिए। और इसमें मैं आपको रखने के बाद दिखाऊंगी पगड़ी सारी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और ये कुछ पगड़ियाँ जो हैं मैंने अपनी शॉप से ली हुई हैं, मतलब अपने सामान में से ही ली हैं। और कुछ पगड़ियाँ जो हैं मैंने बाहर से ली हैं। जब से हमने गाना जी का ये काम शुरू किया ऑनलाइन, उसके बाद तो मैंने नहीं ली कहीं से। पर हाँ, वृंदावन जाती हूँ ना, तो वहाँ से मैं गाना जी के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। चाहे मैं कुछ भी लेकर आऊँ वहाँ से, जैसे पगड़ी हो गई या फिर ड्रेस हो गई, तो मैं वहाँ से ज़रूर ले आती हूँ कुछ ना कुछ। बाकी तो देखिए, हम अपने आप ड्रेस मेकिंग वगैरह कर लेते हैं, तो वहीं से ही जो है कान्हा जी के लिए भी अरेंज हो जाता है। और देखिए पगड़ी में ना कान्हा जी के बाल उलझे हुए हैं किसी किसी में। ये देखिए ये वाली पगड़ी, और इसमें ना ये लगी हुई है, और पंख अटैचमेंट लगी हुई है। और देखिए पगड़ी में ना अंदर नहीं आती है, ये बाहरी इस तरीके से लगाई हुई है मैंने कि ये कान्हा जी को बिल्कुल भी ना लगे। तो कान्हा जी की ना पगड़ी सिंपल भी है और हैवी भी है। मैं आपको सारी दिखाने वाली हूँ, और वीडियो में को लास्ट तक ज़रूर व्यू कीजिएगा। हमने इसमें से अब वो निकाल दिया मोरपंख अटैचमेंट, वो अलग रख देंगे। ये देखिए ये है येलो कलर में पगड़ी, और ये डेली यूज़ के लिए है। तो मैं आपको येलो कलर की और या फिर डेली यूज़ की दिखा देती हूँ पहले, और मैं साथ साथ इनको ना बॉक्स में डालती जा रही हूँ। एक ये है जो सबसे पहले पगड़ी थी, ये वाली, इसमें ये लगा हुआ है एक फैदर भी, और ये भी डेली यूज़ की ही पगड़ी है हमारे कान्हा जी की। एंड इसी में ही मैंने ना राधा रानी के बाल भी रखे हैं। देखिए एक तो ये वाली दो चोटी है मेरी राधा रानी के पास, और एक थोड़ी सी उलझ गई है मुकुट के साथ। एक ये वाली है, और एक ही और ये वाले हैं राधा रानी के। ये अब तक मैंने एक भी बार पहना ही नहीं है, बट मैंने ना लेकर रखे हुए हैं। कई बार ना किसी भी ओकेज़न पर डालने के लिए नहीं मिलते मुझे ना, फिर मैं ये वाले। और एक ही कान्हा जी के न्यू हेयर रखे हुए हैं अभी। मैं उनका ऐसे नहीं करती कि जब मर्जी सामान ले लिया। कि कोई भी ओकेज़न वगैरह आते हैं ना, तो उस पर ही मैं कान्हा जी का एक साथ सामान ले लेती हूँ, चाहे मैं उसको बाद में यूज़ करूँ चाहे पहले यूज़ करूँ। तो ये देखिए बाल अनयूज्ड रखे हुए हैं मेरे पास। ये देखिए एक ये डेली यूज़ की पगड़ी है, ये मैंने अब तक एक बार भी नहीं पहना। ये बस मेरे को पसंद आ गई थी तो रख ली लेकर, कि जब भी ब्लू कलर की ड्रेस के साथ कोई पगड़ी मैच करनी होगी तो ये वाली कर देंगे। ब्लू कलर की मेरे पास एक और पगड़ी भी है जो कि ये वाली है, बहुत प्यारी पगड़ी है ये वाली। इसमें से कुछ कलेक्शन तो अभी भी बाकी है हमारी शॉप पर। और इसके बाद मैं आपको कान्हा जी की हैट दिखाती हूँ। ये देखिए ये कान्हा जी की है, ये राधा रानी की है, नहीं ये राधा रानी की हैट एक्स्ट्रा है एक, ये हमारी राधा की हैट है, और ये हमारे कान्हा जी की। हमारे कान्हा जी का नाम है युगल किशोर, और हमने फिर राधा रानी का नाम युगल किशोर ही रख दिया है खुद से ही। और ये देखिए हैट, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी हमारे कान्हा राधा जी की। और एक ही राधा रानी के लिए एक्स्ट्रा हैट रखी है, सेम ऐसी कान्हा जी के लिए तो नहीं है। एक मैं वृंदावन से ये वाली पगड़ी लेके आई थी, पेशवाई पगड़ी, अपने कान्हा जी के लिए। इसको पहनने के बाद ना वो बहुत सुंदर लगते हैं सच में। ऐसी पगड़ी मुझे कहीं दोबारा मिली ही नहीं है। और ऐसी तो आप में से भी किसी ने एक बार मुझसे मांगी थी कि ऐसी पगड़ी लेकर आइए, बट ऐसी मुझे कहीं मिली ही नहीं। मैंने उस टाइम अपने कान्हा जी के लिए सिर्फ एक ही खरीदी थी, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये बनी हुई है, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद एक पगड़ी ये वाली है, देखिए बहुत प्यारा कलर है इस पगड़ी का, और कान्हा जी को पहनाने के बाद तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आपको ग्रीन कलर की पगड़ी दिखाती हूँ जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत सुंदर लगती है ये पगड़ी। एंड ये हमारी शॉप से पहले का ही सामान है, ये वाला पहले से ही ली हुई मैंने। और ये पगड़ी कहाँ से ली थी, कितने की थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, फ़िलहाल याद नहीं है। पर ये पगड़ी बहुत सुंदर लगती है मुझे, ये वाली सिंपल एंड ब्यूटीफुल पगड़ी। नेक्स्ट पगड़ी है ये वाली, ये भी बहुत ही सिंपल सी पगड़ी है डेली यूज़ की। तो कान्हा जी के पास टचवुड इतनी पगड़ियाँ हैं कि नंबर ही नहीं आता कई पगड़ियों का। तो ये जो सबसे पहले मैंने आपको पगड़ी दिखाई थी ना येलो कलर ग्रीन की, उसी का ही दूसरा कलर है ये येलो। एक ब्यूटीफुल पगड़ी ये दिखाती हूँ, इसको मैंने पहनाया हुआ है, बट मैंने इसको पैक करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये ना फिर ये चीज़ें निकल जाती हैं इनकी, हैवी स्टोन वगैरह। पहनाने के बाद अगर आप पॉलीथीन में कवर करके रखें ना, तो सेफ़ रहती हैं पगड़ियाँ और लॉन्ग लाइफ भी चलती हैं।
एक पगड़ी ये है कॉटन वाली, ब्यूटीफुल स्काई ब्लू सा कलर है, लाइट स्काई ब्लू। मेरे कान्हा जी के पास ना प्रॉपर स्काई ब्लू पगड़ी नहीं है, वो मुझे लेनी है नेक्स्ट शॉपिंग जब भी करूँगी तो, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं जब भी नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करूँगी तो। और एक ये वाइट पगड़ी है, ये मैंने बहुत बार पहनाई हुई है बट स्टिल इसकी ग्रेस वैसी की वैसी ही है पगड़ी की, क्योंकि मैं इसको ऑलवेज इसके अंदर पैक करके रखती हूँ। और ये हमारे कान्हा जी का सबसे पहला मुकुट है। सबसे पहले जो कान्हा जी आए थे ना जब हमारे पास, तो उन्होंने यही वाला मुकुट पहना हुआ था, लेकिन अब ये वो वाला, ये वाला मुकुट कान्हा जी नहीं राधा रानी पहनती हैं। एक पगड़ी ये वाली हो गई, ये देखिए ये भी ब्यूटीफुल सी है। और क्या आप मेरी राधा रानी जी की भी कलेक्शन देखना चाहोगे चंद्रिका वगैरह की, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और एक पगड़ी ये वाली हो गई, वैसे तो मैंने राधा रानी का काफ़ी सामान दिखा दिया है इसी में, बट उनके पास भी मांग टीका और चंद्रिका का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, तो अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। और ये देखिए एक ही मल्टी कलर की पगड़ी, और इसी का ही दूसरा कलर ये वाला है, ये भी डेली यूज़ में ही काम आती है। बाकी एक ये वाली पगड़ी पिंक और स्काई ब्लू, बहुत सुंदर लगती है ये कान्हा जी को पहनाने के बाद भी। आपको कलेक्शन कैसी लगी कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और एक पगड़ी पहनी हुई है हमारे लड्डू बाबू ने अभी, और एक ये ग्रीन कलर की पगड़ी, सो ब्यूटीफुल, ये वाली मैं पहनाती हूँ बटरफ्लाई ड्रेस के साथ। और एक पगड़ी है ये वाली, ये मैंने अभी तक पहनाई नहीं है, एक बार भी नहीं पहनाई अब तक। इसके बाद मैं ना आपको टियारा दिखाती हूँ। एक पगड़ी और है, ये है हमारे कृष्णा जी की, युगल जोड़ी वाले जो कृष्णा जी है ना, उनकी पगड़ी है ये, बहुत प्यारी सी है, मुकुट टाइप पगड़ी है ये वाली। और उनकी कलेक्शन अभी मेरे पास कम है, जैसे जैसे बढ़ेगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। अभी आपको टियारा दिखा देती हूँ, ये तो उल्टा ही हुआ हुआ है, ये वाला है, ऐसे ही ये दूसरा भी है। ये दो टियारे हैं हमारे राधा कृष्ण जी के पास, और एक ये ब्लूमर मैंने इसी में रखी हुई है, गलती से रखी गई है, न्यू ही पीस पड़ा हुआ है ये, और ये काफ़ी पुरानी है, अब की नहीं है। और आपको अपने लड्डू गोपाल जी का राधा रानी का टॉय भी दिखाती हूँ, देखिए ये मैं थोड़े दिन के लिए उनको दे देती हूँ, फिर उठा के ना उनका टॉय चेंज कर देती हूँ। आजकल मैंने रखा हुआ है उनके लिए मोबाइल, और फिर जल्दी ही वो मैं चेंज करके कुछ और भी रख दूँगी। तो देखिए मैंने, मैं आपको अपना बॉक्स दिखाती हूँ, जो चीज़ें उसमें से निकालने की थी वो निकाल ली हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है, और इनकी जो ये है ना मोरपंख अटैचमेंट, इसका बॉक्स अलग बनाया हुआ है मैंने, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मोरपंख अटैचमेंट भी साथ ही। तो ये बाल भी इसी में रखे हुए हैं मैंने, और ये देखिए, तो ये इतना बड़ा बॉक्स है हमारे लड्डू गोपाल जी की पगड़ी का, छोटू सा बॉक्स है हमारे, इसमें राधा कृष्णा जी के, लड्डू गोपाल जी के, राधा कृष्णा जी के तो बड़े वाले होते हैं कमरबंद, वो तो अभी एक ही है हमारे पास पेयर, और वो ही उन्होंने पहना हुआ है। तो ये लड्डू गोपाल जी के और बाल राधा रानी के कमरबंद, और ये हैं मोरपंख अटैचमेंट। तो ये है एक कमरबंद लड्डू बाबू का, और सेम ऐसा ही मिल जाएगा देखो यहाँ पर हमारे पास राधा रानी का, ये भी मैंने नहीं पहनाए एक बार भी, और ये भी मैंने कमरबंद के लिए ही लिए हुए हैं लेकिन अब तक नहीं पहनाए हुए हैं। और ये है मोरपंख अटैचमेंट जो कि मैं पहनाने के बाद दोबारा यहीं रख कर देती हूँ ऐसे ही। ये देखिए एक मोरपंख अटैचमेंट ये हो गई, और मोरपंख अटैचमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं, एक ये वाली है और एक ये है, ये ऑरेंज, ये अंदर से बाहर निकल गई, निकल जाती हैं कहीं बार ना, इसकी पॉलिथीन साइड से ना टियर हो चुकी है तो इसलिए। एक ये वाली, और एक ये वाली तो मैंने आपको दिखाई दी थी, बाकी ये हैं कमरबंद तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए राधा कृष्णा जी में, कृष्णा जी वाला कमरबंद तो यहीं रखा हुआ है क्योंकि कृष्णा जी ने नहीं पहना था शायद से, तो भी रखा है। ये देखिए कितना प्यारा सा है ना ये वाला है, और एक कमरबंद ये वाला है। कमरबंद और भी हैं हमारे राधा कृष्णा जी के पास, लड्डू और राधा के पास, मतलब बाल राधा रानी और बाल गोपाल के पास, वो वाले ना पर नेकलेस सेट में मिक्स होंगे। जब भी मैं आपको नेकलेस की वीडियो दिखाऊंगी ना नेकलेस कलेक्शन की, तब मैं उनको कमरबंद अगर बीच में से निकलते हैं तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट में आप क्या देखना चाहते हैं, राधा रानी जी की चंद्रिका मांग टीका और नथ कलेक्शन देखना चाहते हैं, या फिर पहले लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी, लड्डू बाबू और राधा रानी की ज्वेलरी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।